chilling with my homies, blow trees, drinking OE by the OZs, holy. Angelina Jolie, young and dangerous. Come hang with us, roll a thing with us. Let's get high tonight, the time is right. Plus I got that purple Sprite. Chop the screw, my whole crew leaning. Feeling so calm, having fun just being. Young, wild and free. Team on three, got that green on me. Lean on me, codeine like a pharmacy. ये वाली जो घड़ी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि एक तो मुझे बहुत अंदर से फीलिंग था कि मेरे को वाइट कलर की घड़ी चाहिए थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो मिंत्रा हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, वाइट घड़ियाँ जो है वो बहुत कम है। दिस टाइम आई वॉन्टेड अ मच मोर सिंपलर वॉच जो सिर्फ मुझे टाइम बता दे और मेरे साथ रहे मेरे जिस्म पर। और इसके कंपैरिजन में एक और घड़ी थी कैसियो की ही, वाइट में, जिसमें ज़्यादा फीचर्स थे, जो ज़्यादा महंगी भी थी। बट जब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा था और अगर मैं दोनों के प्राइसेस को हटा देता तो भी मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद थी। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि वाह, मतलब पसंद भी है और ये वाली सस्ती भी है। और कितना सस्ती है, मतलब 5,000 और 800 रुपये। तो या 800 रुपये, द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस वॉच, जिससे अभी मुझे प्यार हो गया है। बिकॉज इसमें वो सब कुछ नहीं है, आपको 500 कंट्रीज के टाइम जोन्स, और आप आज कितना भागे हो और आपने आज कितना डांस किया है। डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो अब बात कर रहे थे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। नंबर वन, इस बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये घड़ी, सिर्फ और सिर्फ 37 ग्राम्स इसका वेट है, विच इज़ वेरी लाइट। सो नंबर टू, इस बहुत ही ज़्यादा छोटू सी घड़ी है ये इन कंपैरिजन टू बाकी घड़ियाँ, और मुझे तो पर्सनली ये वाला लुक बहुत ज़्यादा पसंद है अभी इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ 44.4x43.2x11 mm की है ये। सो नंबर थ्री, इस इसकी LED लाइट, तो दोस्तों ऑरेंजिश कलर की लाइट है और सिर्फ तब जलती है जब आप उस बटन को दबाते हो। प्लस स्पेस को भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है। अगर आप ऊपर वाली साइड देखो यहाँ पे, तो कोई भी बटन नहीं है, मतलब अगर वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने कोई बटन बनाया ही नहीं, विच इज़। सो नंबर फोर, इज इसका बैंड। तो दोस्तों घड़ियों के बैंड्स यूजुअली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रबर बैंड और एक होते हैं रेजिन बैंड्स। तो रबर वाले बैंड्स यूजुअली थोड़े से ज़्यादा सॉफ्टर और फ्लेक्सिबल होता है, और यहीं दूसरी तरफ रेजिन वाले बैंड्स का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, तो हीट या फिर वाटर में वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि उसे ज़्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर पाते हैं। तो इस घड़ी के बैंड्स दोस्तों ना सिर्फ रेजिन के हैं, बल्कि इसका केस, इसका ग्लास, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसके बकल भी जो है वो यूजुअली वो लोहे वाले बकल्स होते हैं ना, वैसे नहीं है। तो अब बात कर लेते हो उस कैच के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा। वो कैच ऐसा है कि आप लोग मुझे पीटोगे, इसलिए मैं शुरुआत में नहीं बता सकता था कि ये घड़ी ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहती है। पर अगर आपने डेडिकेशन दिखाया दोस्तों, जैसा कि मैंने दिखाया था, मैं इस घड़ी के लिए 1 महीने रुका था और फ्लिपकार्ट पे फाइनली ये आई थी सिर्फ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद सच में मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो क्या कर सकते हो आप, हर प्लेटफॉर्म पर इस घड़ी को ढूंढ के, अगर आउट ऑफ स्टॉक भी है तो भी एक नीचे ऑप्शन होता है नोटिफाई मी का, वो आप उसमें अपनी ईमेल आईडी लिख दो और वहाँ पे नोटिफाई मी पर क्लिक कर दो। जैसे ही ये घड़ी आती है इन स्टॉक, वो आपको एक रिमाइंडर दे देता है। ये वाली घड़ी लगभग सुबह 8 से 10 के बीच में आई थी फ्लिपकार्ट पर, और साथ ही मेरे ख्याल से 100 घड़ियाँ थी उनके पास, और साथ ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो दैट इज़ द ओनली कैच कि ये घड़ी मिलती थोड़ा मुश्किल से है, बट एक बार अगर आपकी ज़िंदगी भी आ गई, हाय आम